सैवन डे सैवन बैंड सीरीज़ का अज अपना हैगा डे नंबर टू। सो जिमें कि थोनू पता ही आप एक सीरीज़ शुरू करी हुई है जिसे आप हर एक टाइप के टास्क टू नू सत दिन कंप्लीट करांगे ते 100% श्योरिटी के नाल मैं हमेशा कहना भी थोनू उस चीज़ के सैवन बैंड मिलेंगे। सो अज है वह डे नंबर सैकेंड। सैकेंड डे अज आप करांगे टू वट एक्सटेंट वाला टाइप। सो जिहड़े भी बच्चे ने फस्ट डे वाला टाइप नहीं देखा वो वीडियो के लास्ट के या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन की लिंक पा देंगे वो जाके देख लियो। बाकी मिलते हैं आप वीडियो के। सो सैवन डेज सैवन बैंड डे नंबर टू। आज की वीडियो के आप जो टॉपिक कर लगे हाँ वह टाइप नेम हैगा टू वट एक्सटेंट। सो कल जिमें कि आप डिस्कस बोथ व्यू किया अज का अपना सैकेंड टॉपिक आ टू वट एक्सटेंट। सर ना पहला मैं थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ी ये चीज़ क्लीयर करता भी टू वट एक्सटेंट वाले टॉपिक आप किन्ने तरीके दे नाल डिवाइड कर सकते हैं। देखो टू वट एक्सटेंट का मतलब है भी तुसी जिहड़ी दिता हुआ टॉपिक आ उहदे नाल किस हद तक एग्री हो। पहला आप टॉपिक पढ़ते हैं पीपल लिविंग इन द 21st century हैव अ बैटर लाइफ क्वालिटी दैन द पीपल हु लिव इन प्रीवियस टाइम। कहना मतलब है 20 हुण कि सेंचुरी चलती है 21st century। 21st century का मतलब है जिमें 2001 तो लैके 99 तक ये 21st century चलती है, है ना। सो कहते भी अजक जी लाइफ स्टाइल आ या पीपल जोड़े लिविंग स्टाइल आ वो ज़्यादा वधिया वा पहला नालों। तुसी इस गल तो किन्ने एग्री हो या डिसएग्री? ठीक है, हुण एग्री डिसएग्री वाला तीन पार्ट्स डिवाइड हुंदा। सर ना पहला हुंदा एक तो हुंदा कंप्लीटली एग्री। एग्री कंप्लीटली एग्री का इतने मतलब पूरे के पूरे एग्री। पहला बीपी भी एग्री तो दूजा बीपी भी एग्री। सैकेंड आ गया कंप्लीटली डिसएग्री जिसे दोनों के दोनों बीपी डिसएग्री तो बन गए। एक होना थर्ड पार्शली एग्री। पार्शली एग्री का मतलब 50-50 एक बीपी एग्री तो दूजा डिसएग्री से। ठीक है, सो आप टॉपिक लाने ज़्यादा आप टाइम नहीं लाना इतने। देखो हुण पीपल लिविंग इन द 21st century हैव अ बैटर लाइफ क्वालिटी दैन द पीपल हु लिव्ड इन प्रीवियस टाइम। सो इंट्रो दे विच जिवें मैं तुहानू कहला दस्सिया जनरल लाइन नहीं पाउणी। ठीक है, जे कल जिवें सम पीपल वाला सी उहनू तां मैं तुहानू दस्सता सी भी एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल लिख सकदे हो, बट एवें दे केस दे विच तुसी इट इज़ तों शुरू करना। इट इज़ कंसीडर्ड दैट, इट इज़ बिलीव दैट, इट इज़ कॉमनली सीन दैट, एवें दे वर्ड्स पाउणे आ तुसी। ठीक है, हुण ओह चीज़ किवें आऊगी ओह तुसी देखना टॉपिक दे हिसाब नाल। हुण पीपल लिविंग इन 21st century हैव अ बैटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तुसी इनू लिख सकते हो इट इज़ बिलीव दैट कि एवं मनिया जाता सोचा जाता बिलीव विश्वास किया जाता। ठीक है, सो इट इज बिलीवड दैट हुण इहदी आऊगी पैराफ्रेजिंग। कोई जनरल लाइन नहीं सीधा पैराफ्रेजिंग। लिविंग पीपल लिविंग 21st century इट इज बिलीव दैट द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हैज बीन इनक्रीज्ड इन 21st century एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। पैराफ्रेजिक का मतलब ये नहीं होंगे हर एक चीज़ का थोड़ा सुनाने पता हो वन टू वन करो ना। पैराफ्रेजिंग IDP कहती है जो तुम पूरी लाइन चो दो तीन वर्ड भी पैराफ्रेज करते सो दैट्स इनफ। ठीक है, वो वर्ड पैराफ्रेज करो जो थोड़ा आते हैं। पीपल इंडिविजुअल लिखता, ठीक है, लिविंग स्टाइल लाइफ स्टैंडर्ड लिखता, सो थोड़ी बहुत करो चेंज पिछली चीज़ अगे ले आओ नहीं तो वही फाइन। ठीक है, नॉर्मल सिंपल पैराफ्रेजिंग करनी है जिन्हें वधिया तरीके करोगे उन्ने वधिया तरीके थोड़े बैंड आ जाएंगे। ठीक है, सो पैराफ्रेजिंग तो सैकेंड चीज़ मैं हमेशा कि दसना आंसर टू द क्वेश्चन। हुण देखो ये चीज़ में तुम हूँ सोच के पहले ही प्लैनिंग करनी है भी तुम एग्री होना डिसएग्री या पार्शली एग्री। हुण देखो तुम देख सकते हो भी तुम 21st century तो पहला दे विच की आप लिख सकते हैं। हुण डिफरेंस मेन तो यही होंगे एक तो अजकल टेक्नोलॉजी तो अपने को बहुत पॉइंट होंगे लाइफ स्टाइल दे विच बैटर कैसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी दे विच कुछ भी तुसी कंप्यूटर बारे एजुकेशन बारे तुसी हेल्थ सर्विसेज बारे कुछ भी तुसी दस सकते हो। कहने का मतलब है जे तुसी एग्री वाल जाओगे ना भी अज की जी लाइफ स्टाइल वधिया हो गई है तो अपने को ज़्यादा पॉइंट आने।
ठीक है, सो मैं एग्री जान लगा इन दिस आई एम कंप्लीटली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। हुण कल्ला ये लिख के नहीं छड़ देना भी विच कैन बी एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ, दस के जाना क्यों एग्री कंप्लीटली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज द लाइफ बिकम मोर कन्वीनियंट ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखो आप मेरी थोड़ी राइटिंग भी एवें दी आ, कोई दिक्कत नहीं। एंड हेल्थ देखते हैं, हेल्थ सर्विसेज हैज ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो कहना मतलब ये आप दो बीपी बनावे, एक आप टेक्नोलॉजी एक बार हेल्थ दे वगैरह की गल कर सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, हुण इहदे विच कोई लंबी चौड़ी गल नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके दे लिखिया। बस लिखण दा तरीका किवें आ, पहला पैराफ्रेजिंग, दूजा क्वेश्चन दा आंसर, ते एवें ते क्वेश्चन दा आंसर प्रोपर पॉइंट दे के, कल्ला छड्ड के नहीं जाने, पॉइंट दस के जाने आ। भी एक तो मैं दस्या कन्वीनियंट बनाता, हुण कन्वीनियंट दा मतलब इत्थे की आ, सुविधा, किसी भी तरीके की सुविधा हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन दी दे विच कन्वीनियंट, कंप्यूटर दे नाल कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन दे नाल कम्युनिकेशन च कन्वीनियंस हो गई है, सो कोई भी कन्वीनियंट दा पॉइंट। ठीक है, दूजा हेल्थ दे विच तुसीं नॉर्मल ला सकते हो भी पहला सी जिवें कई बीमारियां हुंदियां सीगियां भी जिन्हां दा इलाज नहीं हुंदा सी, बट अजकल साइंस दे नाल लैब्स दे विच बहुत सारियां मेडिसिन तैयार होंदियां जिन्हां दे करके भी एक वर्ड हुंदा पहला मोलैरिटी रेट बहुत ज़्यादा हुंदी, मोलैरिटी रेट जिहड़ी ना डैथ बहुत ज़्यादा हुंदी सी, अजकल की आ थोड़ी घट गई अगे नालों क्योंकि इलाज आ गया, लाइफ एक्सपेंडेंसी वध गई आ, एवें दे वर्ड तुसीं यूज कर सकते। ठीक है, सो ये सी इंट्रो नॉर्मल, तो इनू आपां हुण बीपी वन स्टार्ट करने अगे। जस्ट तुसीं वे देखना वा भी आप स्टार्ट कैसे करते पे हाँ, एक्सप्लेन कैसे करते पे हाँ, सारिया चीज़ा। ठीक है, वीडियोज़ आप ज़्यादा लंबिया तो करनिया नहीं, नॉर्मल आप मोटा मोटा वेख के छड़ देना। हुण बीपी वन, बीपी वन दे विच आप लिखना वा कन्वीनियंट कैसे हो गई आ, स्टार्ट कर सकते हैं आपां इत्थों। द मेन डिफरेंस इन प्रेजेंट टाइम, द मेन डिफरेंस इन प्रेजेंट टाइम एज कंपेयर टू पास्ट, नहीं सही नहीं आ रहा, दूसरे आप सीधा शुरू करते हैं। द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन प्रेजेंट time is mostly impacted by the technological advancement. This means that hun inu aap एक्सप्लेन करांगे, दिस मीन्स डैट न्यू इनो
inventions, new inventions like mobile phone can new inventions like mobile phone makes ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਡੈਟ ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ ਇਟ become very easy for individuals. देखो इहदे च मैं कोई देख के तो लिख नहीं रहा सो पॉइंट थोड़े जे उत्ते थले हो सकते as it becomes very easy for individuals to communicate from one point to the other point ऑफ द ग्लोब एवं आप मोबाइल फोन एक्सप्लेन कर सकते दिस मीनस दैट न्यू इन्वेंशन लाइक मोबाइल फोन ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टूगैदर एज इट बिकम वेरी ईजी फॉर इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द ग्लोब होर तुसी पॉइंट पाना मोर ओवर ट्रांसपोर्टेशन methods also became very advanced as due to the innovation of planes, trains and much more it become convenient for everyone to explore the every corner of the world simple जो माइंड च आता लिखी चलो बस वो चीज़ पॉइंट पर होनी चाहिए है ये बहुत वड्डा बन गया बट एड्डा वड्डा लिखना नहीं एक पॉइंट लिख के ही खत्म कर सकते एग्जाम्पल देने एग्जाम्पल दे दो कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ आई वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया टू मैट विद माई फ्रेंड एंड आई वॉज सरप्राइज डैट वी लाइक अ डे बिफोर आई वॉज इन इंडिया एंड आई दैन इन द नैक्सट डे आई वॉज इन द Australia and it is just possible due to the aeroplane technology due to the advancement in technology so I made a real life example pa sakde ho kuch bhi pa sakde ho bas aur cheez topic te honi chahiye inni kahani hai theek hai aime tusi bp1 apna likhna va ye bahut vadda ho gaya inna bhi chhad doge te ide ch bhi koi oh nahi ga ve je thode mind ch hai na ve assi example nahi paya assi do point hi leke chhadte to koi dikkat nahi main mudda ki apna main mudda hai va apni word limit puri honi chahiye ya मेन मुद्दा यह नहीं गा भी एग्जाम्पल भी पाइए रिजल्ट भी पाइए ता ही अगला इवेंट दूगा ना पॉइंट लिख के छड़ दो दैट्स इनफ मेन पॉइंट की आ एक तो पॉइंट तो होना चाहिए दूजा वो गल 250 वर्ड थोड़े पूरे होने चाहिए बस ठीक है हुण एवें ही तुसी अपना सैकेंड बीपी लिखना सैकेंड बीपी मैं थोड़ा स्टार्टिंग ते एंडिंग दस दिना तो एक्सप्लेनेशन तुसी आपदे हिसाब नाल लिख लियो क्योंकि तरीका मैं थोड़ा दसूँगा पॉइंट्स थोड़े होने चाहिए ठीक है हुण दूसरा पॉइंट की सी हैल्थ दे रिगार्डिंग ठीक है हुण वो भी अपना अगे नैक्सट पार्ट ही आनू भी मोर ओवर या फर्दर मोर जिहड़ा भी आ उत्थों शुरू कर सकते हो बीपी नूं फर्दर मोर हैल्थ सर्विसिज ऑलसो
हेल्थ सर्विसेज हैज ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, हुण तुसीं नूं अगे नॉर्मली उही चीज इट मीन्स डैट मॉर्लिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द inventions of treatment various treatments for harsh disease। ठीक है, नॉर्मल से चीजें एक्सप्लेन करता, एग्जाम्पल देना एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, एवें ही नॉर्मल तुसी इहदे च पा सकते हो, एग्जाम्पल तुसी सर्वे वाले नहीं पाने ना ही परसेंटेज वाले पाने, एग्जाम्पल इहदे च कुछ भी पा सकते हो, अपना भी जनरल एग्जाम्पल पा दो भी मेरे मतलब दादा जी या नाना जी की डैथ हो गई सी क्योंकि उस टाइम उस बीमारी का इलाज नहीं सी जिहड़ा कि हुण हैगा। ठीक है, इस तरीके दे नाल तुसी पा सकते हो। ठीक है, एज ए रिजल्ट अजकल की हो गया लाइफ एक्सपेंडेंसी, आपसी लाइफ एक्सपेंडेंसी ये इनक्रीज हो गई है, मतलब लोग थोड़ा जा मानते हैं आप भी लोगों को एक ऑप्शन आ गया भी जे मान लो बीमारी हो गई उन्हें सही करा के वो अपने जिंदगी थोड़ी जी बढ़ा सकते हैं। पहले एवें नहीं सी, पहले उवें ही ज्यादा वो गल अड्डा, बट बीमारिया के तौर से पहले जो कोई बीमारी होंगी सी कोई एवं की बीमारी का इलाज नहीं होंगे तो उदो बंदा डैथ ही होंगी सी, बट हुण इन्हां कोल एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल आपां अपना बीपी टू लिखांगे, एग्जाम्पल दे के रिजल्ट दे विच आ लिख दिओ, नॉर्मल थोड़ा सारा बीपी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ते लास्ट दे विच अपना कंक्लूजन दे विच उही चीज़ जिहड़ी चीज़ इंट्रो च लिखी हुंदी आ, कंक्लूजन सिर्फ टू कंक्लूड यानी इन कंक्लूजन तो ही शुरू करना, टू कंक्लूड वही चीज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की पॉइंट से द लाइफ बिकम मोर ईजी for people and life expectancy वो लिख दो is also increased by advanced health services। एवें जो चीज़ उपर लिखी उ चीज़ कंकलूजन ज लिख के अपना खत्म करो। ठीक है, डाउट कोई नॉर्मल यार चीज़ा दो चीज़ा याद रखो, तीन चार चीज़ा इंट्रो नॉर्मल लिखनी है, पैराफ्रेसिंग ते क्वेश्चन आंसर देना, बीपी नॉर्मल जो शुरू करना एवें नहीं शुरू करना देयर आर मैनी रीजन अबाउट दिट बट द प्री डोमीनेंट वन इज उसका चीज़ का कोई मतलब नहीं है, सीधा पॉइंट तो शुरू करो, द मेन पॉइंट इज दिस, एवें बीपी टू शुरू करो, एग्जाम्पल देने या कि नहीं देने, रिजल्ट लिखने या कि नहीं लिखने वो इस पर डिपेंड करता भी तुम्हें कितना वाला बीपी लिखा, जो थोड़े दोनों दो पॉइंट लिखते वो थोड़ा बीपी कंप्लीट हो रहा रहन दो, कितने नहीं लिखे एग्जाम्पल देना ही देना ये करना वो करना। ठीक है, बस मेन मुद्दा की है 250 वर्ड पूरे होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज लिखो, टास्क रिस्पोंस वधिया होना चाहिए, ग्रामर वधिया होना चाहिए, वो चीज़ें तुम्हें ध्यान दे लो, बट होवे सिंपल, बैंड आउणगे आउणगे 6.5+7 तक आराम ना आउणगे। ठीक है, सो यहगा अपना अज का टॉपिक, तो जोड़े बच्चे ने डे वन दी वीडियो नहीं देखी डिस्कस बोथ वाली
वीडियो के लास्ट के एंड स्क्रीन पर थोड़ा शो होगी, वो वीडियो जाके देख लियो। बाकी एवं लगातार सीरीज़ के अपन वीडियोज आनिया रहनिया। सो जो वीडियो वधिया लगी हो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक तो शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।